नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नित्या एग्जाम पॉइंटर आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड नई नई क्लासेज स्टार्ट कर रहा है, करंट अफेयर्स की क्लासेज दे रहा है, हिंदी की दे रहा है, और जो टू द पॉइंट है, एकदम सटीक, जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए है। तो उसी क्रम में, क्योंकि मेरा हॉबी है, थोड़ा पढ़ाने का इंटरेस्ट है, तो बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था कि क्यों ना उन बच्चों के लिए जो थोड़ा मैथ में वीक हैं। होता क्या है कि मैं स्पेशली आप लोगों से बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, क्वेश्चन का एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है, तो जिन बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है वो कठिन हार्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे नहीं पूछता है। रेलवे का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है उसको समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और जो आर्ट साइड हैं, मैथ उनका कोई सब्जेक्ट हाई स्कूल के बाद उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, और उनका जीएस अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, लेकिन मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वस हो जाते हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल मैथ कमज़ोर कर देता है। तो उसी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेकर आया हूँ, टारगेटेड एनटीपीसी आरआरबी आरआरसी। तो इस पे हम लोग आइए डिस्कशन करते हैं कुछ, कैसे मैं आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ। और ये जो सीरीज है मैथ का, ये बेसिकली केवल और केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रेलवे का जो स्टैंडर्ड होता है, जो मैथ का लेवल होता है, उस स्टैंडर्ड पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आइए पहले हम लोग अर्थमेटिक पे बात करते हैं। अंकगणित में मैं कैसे आपको तैयारी करवाऊंगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको अर्थमेटिक को तीन सेक्शन में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको गाइड करूंगा, और ये सारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका, इसमें आपको किसी किताब नोट्स इसके पीछे नहीं भागना है। एक आपको ऐप बताएंगे, वो ऐप डाउनलोड करना, वो पूरी बुक लिस्ट है स्पीडी का जो प्रकाशन, वो हर बुक का जो निकालता है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक मजबूत प्रकाशन है। तो वो किताब, एक ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। मेथड मैं सिखाऊंगा जो ये तरीका है, क्योंकि आप जब एक मेथड से कई सारे चैप्टर सॉल्व करते हो, बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है, तो आप उसके अभ्यस्त हो जाते हो, और वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, कन्फ्यूजन को दूर करता है, और एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाता है। ठीक, तो तरीका मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा, टाइप आपको वहाँ से मिलेगा। दूसरा काम ये करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आपको ट्रेंड एनालिसिस देख करना है कि किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन और किस लेवल तक पूछे जाते हैं। ये दो तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि मैं मैथ्स के लिए, आप लोग इतने लगभग एक साल से पेंडिंग है ये एग्ज़ाम, तो आप लोग सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगा इसके, लेकिन हाँ, यदि आप लोग कुछ सजेशन चाहते हैं, कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पढ़ के मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको किस तरीके से गाइड करने वाला हूं अर्थमेटिक में, एडवांस मैथ में आपको किस लेवल तक जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स की यहां पे तैयारी करवाऊंगा। ठीक, तो चूंकि हम लोगों को एक अनुभव है ढेर सारे एग्जाम बीट करने का, और जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये सीरीज मैं ये सेशन शुरू करने वाला हूँ, वो आपकी सफलता का मार्ग जरूर प्रशस्त करेगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले तीन पार्ट होते हैं, मैं
बेसिकली इस पार्ट पे फोकस करूंगा, ये जो आपका कार्य और समय, पाइप एवं टंकी, चाल समय एवं दूरी। चाल समय एवं दूरी में चार सब पार्ट होते हैं, एक नॉर्मली जो चाल समय दूरी होती है, दूसरा ट्रेन से संबंधित, तीसरा नाव एवं धारा से संबंधित और चौथा रेस। ये चार पार्ट जो है एक ही चैप्टर के सब पार्ट हैं। ओके, तो इस जो ये आपका ये तीन चैप्टर हैं, इसको हम एक मेथड से, बेसिक एक मेथड से सीखेंगे। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो आपको ध्यान देने योग्य, जो आपके लिए जरूरी है, वो एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट से यदि हम तीन चैप्टर सॉल्व करेंगे तो आप सोचिए कि आपको कितनी बार वो प्रैक्टिस में आएगा, आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप कितने इसमें पारंगत होंगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप 10 तरीके के टाइप, 10 तरीके के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लगा रहे हो, आप कई मेथड को कई बार नहीं पढ़ सकते हो, जब ज़्यादा मेथड। लेकिन यदि एक ही मेथड से, एक ही कॉन्सेप्ट से हम लगाने का प्रयास करें किसी टॉपिक को, तो आप सोचो कितनी बार आपका वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट कितनी बार रिवीजन होगा। तो जाहिर सी बात है, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो महारत तो आपको हासिल हो ही जाएगी। ठीक, तो ये जो चैप्टर है, कार्य और समय, पाइप एवं टंकी, चाल समय एवं दूरी, जिसमें से चार सब पार्ट भी, इस पूरे टॉपिक को हम एक टाइप से पढ़ेंगे। ओके, दूसरा परसेंटेज, लाभ एवं हानि, बट्टा एवं छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस इतने चार पांच टॉपिक को हम एक मेथड से पढ़ेंगे। इसका लगाने का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, अभी आगे मैं और बताऊंगा कैसे। ठीक, तीसरा जो आपका ये मेन है, बेसिक, जिसमें संख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्या पद्धति से, सरलीकरण में आपको घात एवं घातांक, करणी, वर्ग एवं घनमूल, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत ये आते हैं, कुछ और भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिसपे मैं चर्चा करूंगा। लासा मासा यहां से हर हाल में क्वेश्चन एक दो पूछता ही पूछता है, यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो रेलवे हर साल हर पेपर में जरूर लासा मासा से प्रश्न पूछता है। विभाज्यता का नियम रहता है, जिसमें आपको शेष और शेष और ये सारी चीजें, या विभाज्यता से संबंधित कि 11 से विभाजित है तो x का मान, इस तरीके से प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दशमलव जो ये पद्धति है, इसमें एक टॉपिक जानना है जिसमें हम बारंबारता, जैसे इस टाइप का 0.9 के ऊपर बार लगा दिया, तो इस तरीके से ये भाग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं दशमलव में, उस चीज को हमें सीखना है। ठीक, भिन्न संबंधी प्रश्न, ये सब मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि मैथमेटिक्स में आपको चार ऑपरेशंस बेसिक पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको जोड़, घटाओ, गुणा और भाग, ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ के। अब इन्हीं चारों के आधार पे हम किसी संख्या को कई रूप में लिख सकते हैं। जैसे यदि हम 3.5 लिखे हैं, ये क्या है, किस रूप में है, ये दशमलव पद्धति में है। इसी 3.5 को हम 7/2 लिख दें तो ये भिन्न पद्धति में हो गया। ठीक, इसी को हम यदि परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो वही सारे ये जो टॉपिक हैं, भिन्न संबंधी प्रश्न, दशमलव, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से कोरिलेट करके पूछ लिए जाते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। ओके, तो ये बेसिक आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक मैथ का, अर्थमेटिक मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जब आप जाने रहेंगे तभी ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आप सीख पाएंगे, तभी ये सीख पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये आप तभी जानेंगे, और ये दोनों पार्ट आप तभी जानेंगे जब आप अनुपात एवं समानुपात जानेंगे, और जब आप अनुपात एवं समानुपात तभी अच्छे समझ पाएंगे जब आप भिन्न संबंधी चीजों को, भिन्न क्या होता है उसको आप जानेंगे, तभी आप अनुपात एवं समानुपात को समझ पाएंगे। यदि आप अनुपात और समानुपात समझ जाते हैं, एवरेज समझ जाते हैं, तो इन दोनों के प्रयोग से हम परसेंटेज और कार्य और समय को, इन दोनों पार्ट को हम अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। दूसरी चीज, ये वाला पार्ट, कार्य और समय, पाइप एवं टंकी, चाल समय और दूरी, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें लासा और मासा आएगा। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि इस बेसिक जो अर्थमेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ये जब आप जानेंगे तभी आप इस पार्ट को कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, ये और ये। जब आप ये दोनों
कर ले जाएंगे। तो ये और ये, इन तीनों का मिश्रण आपको साझेदारी, मिश्रण और आयु संबंधी प्रश्न को हम विशेष उसमें कर देते हैं, ये थोड़ा हटके है, और इसको भी हम भिन्न संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तीन जो टॉपिक हैं, जब आप इन तीनों टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो पार्टनरशिप भी उसी का एक पार्ट है, मिश्रण भी उसी का एक पार्ट है, और आयु संबंधी प्रश्न भी उसी का एक पार्ट है, ठीक। अनुपात समानुपात के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। तो ये अर्थमेटिक है, हम तीन सेक्शन में, एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो बताएंगे, दूसरा आपको हम एक मेथड इसके तहत बताएंगे जिसमें आपको भिन्न भिन्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक। इसमें आपको हम बताएंगे लासा मासा का यूज होगा, इसमें हम लासा मासा हमें आना बहुत जरूरी है। तो ये तीन सेक्शन में हम अर्थमेटिक को पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे, ओके। अब बात आती है कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। रेलवे आपसे वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कंफर्म है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, चार समय एवं दूरी, यहां से प्रश्न आने ही आने हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, यहां से प्रश्न आने ही आने हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आने ही आने हैं। अब बात आती है आयु संबंधी जो टॉपिक है, वहां से भी एक प्रश्न हर हाल में पूछता है, साथ ही रीजनिंग में भी इसका यूज है, रीजनिंग में भी ये पूछा जाता है आयु संबंधी प्रश्न से। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आ भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन मिश्रण से प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक। दूसरा चीज, सिंपली संख्या संबंधी प्रश्न से यहां से भी एकाध क्वेश्चन रहते हैं जिसमें इकाई का अंक या कोई संख्या दे दिया गया, दो अंकों की संख्या है, उसके दहाई के अंक और इकाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो इतना घट जाता है, बढ़ जाता है, ये संख्या संबंधी प्रश्न है, हम चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन से दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, कभी कभी पांच क्वेश्चन भी हो जाता है। और ये चूंकि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को सरलीकरण कर दें, चाहे वो परसेंटेज का एक पार्ट उठा के कर दें, चाहे लासा मासा से कर दे, या आपका दशमलव से कर दे, भिन्न संबंधी कर दे, घात एवं घातांक, करणी, वर्ग एवं घनमूल, कुछ भी कर सकता है, या बॉड मास जो अर्थमेटिक का एक पार्ट है जिसमें भाग, गुणा, जोड़, घटाव, इन सारे पार्टों का जिक्र रहता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं, लासा मासा से हर हाल में पूछे जाते हैं, और भिन्न संबंधी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, अनुपात समानुपात से हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से हर हाल में। तो आप देख रहे होंगे कि सरलीकरण, लासा मासा और अनुपात समानुपात, औसत, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, कार्य और समय, पाइप एवं टंकी, चाल समय एवं दूरी, साझेदारी से मिश्रण और आयु संबंधी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलेंगे और जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको हम बताएंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आज हम लोग शुरू करेंगे अनुपात एवं समानुपात। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के, उसको भी मैं तुरंत इसी में बता दूंगा, ठीक है। और जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो बताऊंगा ही। अब आइए एडवांस में देख लेते हैं क्या क्या पूछता है। एडवांस मैथ में यहां पे दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एडवांस मैथ में, और वो भी बहुत इजी रहते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, हमें उसके बस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है। यदि हम एडवांस मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो रेलवे के मैथ्स को आसानी से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रमिति जिसमें कुछ आपके टू डायमेंशनल फिगर होते हैं जैसे त्रिभुज, आयत, वृत्त, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
और एक चीज जो रेलवे का फेवरेट है, आप देखते होंगे एसएससी और इन सब में मैथ्स में बहुलक, माध्य, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे पूछता है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हमें बहुलक निकालना, माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना, ये सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, अब यहां से इसी वृत्त और एक पार्ट इसमें कर सकते हैं एंगल फाइंड करना, एंगल एरिया जो कोण वगैरह निकालते हैं वो फाइंड करना। तो ये इतना भी हम कवर कर ले जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है, उसमें कुछ एंगल का है उसको भी मैं कवर करा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब मेंसुरेशन के पार्ट हैं। मेंसुरेशन, सांख्यिकी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक अनुपात एवं समानुपात पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या जानना है, अनुपात किसी भी संख्या को, ये क्या हो गया, यदि ये नॉट जीरो है इस रूप में हम लिखते हैं ये अनुपात हो गया। इसको दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो बटे में भिन्न जिसको बोलते हैं, 2:3 लिख दिया, ये क्या हो गया, अनुपात हो गया 2:3। यदि हम इसी 2:3 को 10:15 लिख दें कोई दिक्कत, क्योंकि 5 से यदि इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 10, 5 × 3 = 15, ये भी 2:3 आ रहा है। यदि इसको हम 20:30 कर दें तो भी ये 2:3 आ रहा है। यदि हम इसको 80:120 कर दें तो ये भी क्या हो गया, 2:3 आ रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2:3 समानुपाते है। समानुपाते मतलब चाहे आप इसको बराबर कर सकते हैं, चाहे इस बराबर को हटा करके हम ऐसे क्या कर दिए, समानुपात है किसके, 10:15 के। ठीक, जब दो भिन्नों की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो सेम हो, दो भिन्नों की एक्चुअल वैल्यू यदि सेम हो तो उन दोनों भिन्नों को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अनुपात, मतलब ये इस रूप में है अनुपात, ये सब क्या है, एक दूसरे के समानुपात हैं। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अब आपको सबसे सिंपल, आपको कहीं भटकना नहीं है, जो आपके लिए यूजफुल है, आप स्पीडी का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, स्पीडी मैथ्स, उसमें आपको अनुपात एवं समानुपात वाला चैप्टर ओपन करिए, उसमें जो टाइप है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लो दो भिन्न ए अनुपाते बी ने, ये एक भिन्न हो गया, समानुपात है किसके, सी अनुपाते डी, कितने इसमें आपके ए बी सी और डी, अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, आइए, अब जितने भी टाइप मैं आपको बता रहा हूं उन सारे टाइप को आप एक कॉपी में नोट करेंगे, सारे टॉपिक को, प्रश्न आपको यहां से मिल जाएंगे, आप यहां से सीखेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, ज्यादा टाइप है नहीं, वो सारे टाइप का नोट्स बनाइए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और जब रिवीजन हो जाए तो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या इसी में इसी बुक में दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। तो आइए, नोट्स जरूर बनाना है, आप टाइप वाइज लिखते जाएं। टाइप वन में 4:13 = 64:64, आपको ये डी बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। तो आपको बताए इसका मतलब क्या होता, बराबर, तो इसको आपने क्या लिखा, 4/13 = 64, और इसकी जगह आपने एक्स कर दिया या समथिंग कुछ भी कर दिया, यहां से आपका क्या हो गया 16, और ये आपका, आपको गुणा करना कैसे है,
आप 16-13 का ऐसे मत गुणा करिए, 10 बार में 16 दहम 160 और 16 3 48 60 और 40 कितना हो गया, 208। 208 एक्स का मान कितना आ गया, 208। इसी प्रकार से 4:2 समान पाते 8:6, यहां पे आपको द्वितीय अनुपाती बताना है। सिंपल सा क्या करना है, 4:1 का मतलब बटे होता है, समानुपात का मतलब बराबर, और 8/6 यहां से आपने काट दिया तो कितना आ गया, x बराबर 3। यही आपको क्या हो गया आंसर। अब ये तो सिंपल था, तीसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 9 तथा 16 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब क्या हो गया कि 9 बीच में कौन पड़ेगा, यदि 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, 4 संख्याएं, तो इसका मध्य कौन कौन सा होगा, ये दोनों होगा। ये 3 है ए बी सी, तो इसमें तो हम निकाल सकते हैं कि बी इसका मध्य होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 हैं, क्योंकि समानुपात में 4 संख्याएं होती हैं, तो बी और सी ये दोनों क्या हो गए, ये मध्यानुपाती हो गए। तो सेम इसी बेस पे हम लोग करेंगे, ये 9 हो गया, ठीक, इसका दूसरा वाला पार्ट उसको भी आप क्या कर लो, बी कर लो, बराबर यहाँ 2 ही दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मध्यानुपाती ये भी क्या है, बी ही है, और बटे 16, ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बी इक्वल टू कितना हो गया, 12, तो आपका मध्यानुपाती कितना हो गया, 12। मध्यानुपाती का मतलब हो गया कि जो ये दोनों हैं बी और सी, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो बी और सी दोनों सेम होते हैं, तब दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, और इन दोनों का जो आएगा जब बी निकालोगे आप तो ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मध्यानुपाती के बाद आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो तृतीयानुपाती का। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, और एक जो आपको मैंने सिंपली बताया था। तो मध्यानुपाती आपने देख लिया, तृतीयानुपाती में कैसे क्या करना है, 4 और 6 का तृतीयानुपाती, 3 का वो करना है 4, और यहां भी 6 बराबर 6, और आप तृतीय अनुपाती में क्या करेंगे, x, ठीक, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36/4 बराबर कितना हो गया, 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चतुर्थानुपाती निकालना हो, जैसे आपने अभी पहला प्रश्न निकाला था 14:13 समानुपाते 64 समथिंग, यहाँ चतुर्थानुपाती मिल रहा है, ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली निकाले थे इसका मान कितना आया था, 208। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर 4:6, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है, ओके, इसका मान निकालना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। इस प्रकार के जब प्रश्न आए, चूंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जब आप पार्टनरशिप लगाओगे वहां भी इसका यूज होगा, जब आप परसेंटेज लगाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस लगाओगे, तो भी वहां यूज होगा। इसको कैसे करते हैं, सिंपली हमें पहचानना है ये बी लास्ट है और ये यहाँ पे पहला इसका बी, दोनों सेम है। यदि ऐसा है तो हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 संख्याओं का अनुपात जब निकालना होगा क्या करेंगे, पहले को पहले से गुणा 4 × 8, इसको इससे गुणा 4 × 3 = 12, दो इस पहले वाले का दोनों से हो गया गुणा, अब लास्ट वाले का लास्ट से कर देंगे, 6 × 3 = 18, यहां से आपको क्या आ गया,
चार अनुपात है छह अनुपात है नौ। एबीसी का अनुपात क्या आ गया, चार अनुपात है छह अनुपात है नौ। ये हमारा जो सेशन चल रहा है ये टारगेटेड है, मेरा ये प्रयास है कि एक महीने के अंदर पूरा मैथ कंप्लीट कर दूं। आप इसको टाइप वाइज नोट करिए, यदि आप लोगों की आवश्यकता होगी तो मैं डीपली इसमें कॉन्सेप्चुअल वेस्ट पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा एक प्रश्न और भी देख लें, यदि ए अनुपाते बी टू अनुपाते थ्री और सी अनुपाते बी है बराबर फाइव अनुपाते सिक्स, ऐसा है तब क्या करेंगे, तब आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना हो तब आप क्या करेंगे, आपको बताया कि ये लास्ट और इसका ये पहला सेम होना चाहिए, यदि नहीं है तो इसको सेम कर लीजिए, आप उल्टा कर देंगे अनुपात को कोई दिक्कत नहीं होता है। आपने ये जो सी अनुपात बी था इसको बी अनुपात सी कर दिया तो ये भी क्या हो गया छह अनुपात पांच हो गया, सेम वही करना है बारह हो गया अठारह हो गया और पांतियां लास्ट का लास्ट से कर दो पांतियां पंद्रह, यही आपका। अब ये चूंकि तीन से डिवाइड हो सकता है तो चार छ और पांच, चार छ पांच इसका क्या आ गया अनुपात आ गया, ठीक है। ये उल्टा भी कर देगा तो भी हम उसको सही से करके सीक्वेंस में ला करके सॉल्व कर लेंगे। अब यदि यही चीज चार अंकों में हो जाए, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी, अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, इन चार वो तो तीन का तो आपने सीख लिया, यदि चार का पूछ लेता फिर आप क्या करेंगे, आपको सेम वही करना है, पहले तो चार बॉक्स बना लेना है, ठीक। चार बॉक्स कैसे आप बनाओगे, सेम जैसे आप दो अंकों वाला करते हो ना, दो अंकों वाला पहले इसका इससे गुणा तीन, फिर इसका इससे गुणा छ, फिर लास्ट वाले का लास्ट से गुणा आठ, ये इतना आपने किया था। अब सेम ये जो पांच है इस तीनों में गुणा कर दो आप, पांच पांच पांच, ठीक, पांच पांच पांच, और अभी जो लास्ट वाला है इस सारे लास्ट वाले को आपस में गुणा कर दो, ये अनुपात आपने चार बॉक्स बना लिया। यहां मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया तीन एक कम तीन, तीन दोना छह डायरेक्ट लिख दिया था ये, और लास्ट में आपने क्या कर दिया चार दोना आठ गुणे छ, ठीक। आप यहां से गुणा कर लोगे पंद्रह अनुपाते तीस अनुपाते चालीस अनुपाते अड़तालीस, देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं, आपके ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पंद्रह तीस चालीस और अड़तालीस, ठीक है। क्या करना है, जब चार अंकों का रहे अनुपात निकालना हो आप क्या करोगे, जैसे दो अंकों का करते हो इससे गुणा और फिर लास्ट वाले का लास्ट से गुणा, ये तीन तो आपके बन गए तीन, ठीक। अब करना क्या है कि जो चौथा वाला उसका जो पहला है उसमें तीनों से गुणा कर दो, कर दिया आपने, अब क्या करना, जो जितने भी लास्ट लास्ट है उनका गुणा करके एक चौथा बना लो, ये पहले का ए का हो गया, ये बी का, ये सी का और ये डी का हो गया, ये चार अंकों का हमने अनुपात निकाल लिया, ओके। यहां से प्रश्न आप इसको सीखते जाएं, जब अभी हम लोग परसेंटेज या पार्टनरशिप में जब बात करेंगे या प्रॉफिट लॉस में बात करेंगे या वर्क एंड टाइम में बात करेंगे तो इस प्रकार का इसका हम यूज वहां करेंगे, तो फिर आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इतना जानते जाओ और इसको नोट करते जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। अब हम लोग बात करते हैं टाइप थ्री की, एक प्रश्न इसमें और आप जान लो कि ए अनुपाते बी बराबर दो अनुपाते सी, बी अनुपाते सी बराबर चार अनुपाते पांच, तो ए अनुपाते सी का मान निकालना है, ठीक है। तो आप जैसे अभी तक सीखे हो उसी कॉन्सेप्ट से लगाना चाहो लगा दो, कुछ नहीं करना आपको, सॉरी दो अनुपाते तीन है ये, कुछ नहीं करना है आप, चार दुना आठ चार तीन बारह और फिर लास्ट का गुणा कर दो पंद्रह हो गया, ठीक। ये आ गया आपका ए बी सी का अनुपात आ गया, अब ए अनुपाते सी पूछा है तो ए हो गया आठ और सी कितना है पंद्रह, आपका आंसर कितना हो गया अनुपाते सी आठ अनुपाते पंद्रह, तो आप यहां से लगा ले जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप थ्री, टाइप थ्री में सिंपल सा, जब आप को मैं परसेंटेज बताऊंगा प्रॉफिट लॉस बताऊंगा यही कॉन्सेप्ट वहां यूज होगा, इसलिए आप यहां जितना सीखते जाओगे वो आने वाले जो चैप्टर हैं वहां सभी जगह ये यूज होगा। मान लीजिए यदि कोई संख्या ए मतलब ए
ए ये 2/3 बी के है, बराबर किसके है 2/3 बी के। तो ए अनुपात बी यदि हम निकालना चाहें बी ना, तो जब ए अनुपात बी निकालेंगे यदि कोई चीज सेम है, सेम अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, यदि इक्वल है इसका मतलब उस चीज को जितना बढ़ाओगे ए भी उस हिसाब से बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती ए बराबर 1/b हो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को यदि बढ़ाओगे तो ये चीज घटेगी। क्यों? देखो आप कि यदि 1/2 हो इसका मान कितना आएगा 0.5 और 1/5 हो इसका मान कितना आएगा 0.2। ओके देखो जब आपने 2 रखा वैल्यू छोटी रखी तो 0.5 आई, जब आपने वैल्यू बढ़ाई बी को तो देखिए ए क्या हो गया घट गया, इसको बढ़ाया ये घटा, ये घटा ये बढ़ा, ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है यहां क्या है इक्वल है, यहां इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि जब हम ए अनुपात बी निकालेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये भी क्या हो जाएगा 2/3 ही रह जाएगा। जब हम इक्वल है और जब ए और इसको भी अनुपात बी करेंगे तो सेम वही रहेगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है अब इस प्रकार के प्रश्नों कैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे 1/4 ए बराबर 1/6 बी तो ए अनुपात बी बराबर कितना, ये पूछ ले। हमने क्या बताया जब आप करेंगे तो सेम वही हो जाएगा अपना, ये ए अनुपात बी यदि करना है तो ये अपनी जगह रहेगा, ये नहीं हिलेगा, ए अनुपात बी ये 4 यहां चला जाएगा, 4/6 बराबर हो गया 2/3 इक्वल टू 2/3 अनुपात को हम बटे को हम अनुपात में लिखते हैं ऐसे। ठीक है तो ए अनुपात भी कितना आ गया 2/3। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये कैसे आ गया, रेलवे ऐसे भी तो पूछता है, कुछ ही टफ क्वेश्चन होते हैं 10-15% क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, नहीं तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है जिसको आप कहोगे कि इतना आसान कैसे पूछ लिया। ठीक है तो ये आपको जानना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक अभी जब आगे आप देखोगे तो समझ में आएगा। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को दशमलव में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब परसेंटेज में दिया तो उसको फिर हम अनुपात में भिन्न में कैसे बदलेंगे, अनुपात क्या है भिन्न ही तो है। तो आइए एक का 30% का मतलब क्या हो गया 30%। अच्छा परसेंटेज आप जान लो क्या होगा, किसी भी चीज का 100वां भाग, किसी भी चीज के 100 टुकड़े कर दो उसका जो एक टुकड़ा होगा वो 1% होगा। तो 30% टुकड़ा करने भाग करने का मतलब क्या बटे, तो कहीं ये परसेंटेज लिखा हुआ इस परसेंटेज को हमें हटाना है तो हम क्या कर देंगे इस परसेंटेज की जगह पे 1/100 कर देंगे। ठीक है तो 30% कहीं लिखा हुआ है, यदि इस परसेंटेज को हम हटाते हैं तो 100वां भाग मतलब 1/100 करेंगे और ये आपका क्या आ गया 3/10। ओके 30 का कौन सा भाग है 3/10 भाग है। ठीक है ये भिन्न में हमने परसेंटेज को 30% को भिन्न में बदल कर दिया 3/10। इस भिन्न को आप दशमलव में भी बदल सकते हो 0.3 ये दशमलव में। तो संख्याओं को कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। ओके तो 30% ए का 30% बराबर बी का 20%, तो ए अनुपात बी ये निकालना हो। ठीक सिंपल है, परसेंटेज मैंने बताया आपको, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 3/10 हो गया, बी का 20%, 20×5=100 मतलब 20, और जब इस परसेंटेज हटाओगे 1/100 करोगे 20×5=100 1/5। अब देखो जो पहला वाला प्रश्न बताया था उसी टाइप का हो गया ना, जब आप ए अनुपात बी करोगे तो ये तो कहीं नहीं हटेगा, सेम अपनी जगह, ये भले उधर चला जाएगा ये 10 हो गया और ये 5 ही रहेगा, ये जो 3 है आपका कहाँ आ गया बटे में आ गया। ठीक 5×10 कितना आ गया 2/3, यहाँ भी ए अनुपात बी कितना आ गया 2/3। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4 पे। अच्छा एक प्रश्न और इसमें टाइप 3 में देख लेते हैं, राम की आय का 3/5 भाग, राम की आय का 3/5 भाग
सुबोध की आय का, सुबोध की आय का आय के 2/3 भाग के बराबर है, भाग के बराबर है। तो राम और सुबोध की आय का अनुपात बताना, ठीक है, आय का अनुपात। आप प्रश्न इस पीडीएफ को, ये जो बुक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां प्रश्न आप देखिएगा, ठीक है। देखो सेम अभी जो प्रश्न बताया था उसी टाइप का है। राम की आय का 3/5 भाग, 3/5 राम की आय का बराबर है किसके, सुबोध की आय के 2/3 के, 2/3 सुबोध। राम और सुबोध का बोला है तो राम अनुपात है सुबोध, सुबोध को कर रहे हैं, इसको सेम ही रहने देंगे 2/3 और इसको उधर भगा देंगे, ये त्रिक गुणा हो जाएगा, गुणे 5/3, यहां से कितना आ गया 10/9। तो राम और सुबोध की आय का अनुपात कितना हो गया 10/9, इस टाइप का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 इसमें आपको क्या करना है, सेम वैसे ही है जैसे 2 का अनुपात आपको दिया था, ठीक, 2:3, फिर बी अनुपात सी दिया था, 4:5 मान लो। आप क्या करते थे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, पहले वाले का दोनों गुणा कर देते थे, फिर लास्ट वाले का लास्ट से गुणा कर देते थे। अब क्या बोलेगा कि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हैं, तो राम श्याम और महेश की आय का अनुपात बताएं, ठीक। एक बार प्रश्न आप देख लें और इसमें आप देख लीजिएगा, यदि आपको आवश्यकता होगी तो मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, ठीक है। राम की आय का आधा, राम की आय का आधा, देखिए राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई, तिहाई मतलब 1/3 श्याम की आय का, और महेश की आय का चौथाई 1/4 महेश, आपस में बराबर है, बराबर है मतलब आपने ये कर दिया। अब इसका तो आपने देखा था कि अनुपात हो तब तो आप ऐसे ऐसे गुणा कर लेते हो, यदि सब सेम हो मतलब 2a/3b/4c हो तब क्या करोगे आप, तब इस समय जब आप अनुपात निकालते हो तो जो उसके साथ में अंक होता है, जो आपका अंक होता है वो उल्टा हो जाता है। तो जब हम आर श्याम और महेश, राम श्याम और महेश का अनुपात निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4, यही आ गया आपका आंसर, ठीक। सेम एक प्रश्न और देखिए आप, ये सब आपको सीखते जाना, अभी आगे भी मिलेगा, बार बार रिवीजन होगा। मैंने क्या बताया कि हर जगह यूज होगा, आप धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वो आपको एकदम, आप महारथी हो जाओगे इसमें, ठीक है, परेशान होना नहीं है, लेकिन आप नोट्स बनाते रहो, इसका रिवीजन करते रहो और प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि राम की आय का दुगुना, दो गुना का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट गुणा, राम की आय का दो गुना, श्याम की आय का तिगुना 3 गुना और महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर, मैंने बराबर पहले ही लगा दिया, आपस में बराबर हैं, तो राम श्याम और महेश की आय का अनुपात बताना है। अब मैंने क्या बताया, जब ऐसे बराबर दिया रहे तब इनका जो अनुपात होता है वो उल्टा हो जाता है, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, इनका जो अनुपात होता है इसके उल्टे के अनुपात में हो जाता है, 3 का उल्टा 1/3 और 4 का उल्टा 1/4, क्यों, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, अंडरस्टूड है, तो इसका जब 4/1 का उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये अब जब भिन्न का लासा, अब देखिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, भिन्न नहीं, लासा निकालना नहीं पता है भिन्न का, तो आप कैसे कर पाओगे, कोई बात नहीं है, आप इनका क्या करोगे, 2, 3 और 4 का लासा क्या होता है 12 होता है, ठीक, लासा निकालना नहीं आता है तो उसको सिखाएंगे, थोड़ा बहुत सीखो, आप इनका क्या कर लो, 2, 3 और 4 का लासा 12 आ गया, 2 × आप क्या आ गया 6, यहाँ 4 और यहाँ 3, ये क्या हो गया आपका 6, 4 और 3,
राम श्याम महेश की आय का अनुपात कितना हो गया, 6:4:3, ये हो गया टाइप आपका 4। ये अभी आगे यूज भी होगा, इसलिए अभी से आप ये सीखते रहो, ठीक है। टाइप 5 में देखते हैं, अब यहां पे पैसे का बंटवारा करना है, ठीक है। अभी जो आपने दो टाइप 3 और टाइप 4 जो पढ़ा है उसका यूज यहां पे हम करेंगे कैसे, जैसे 30,000 रुपए को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, क्या गया है, बांटा गया है, तो सी का हिस्सा बताएं, ठीक है। सी का हिस्सा कितना होगा ये आपको बताना है, सिंपल जो अनुपात होता है यही इनका अपना खुद का हिस्सा है। यदि इसी हिस्से में करें तो टोटल कितना होता, देखो 7, 5, 12, 3, 15, टोटल कितना हो रहा 15, लेकिन यहां कह रहा 30,000 रुपए, तो ये 15 बराबर है 30,000 के, ठीक, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2,000 के हो जाएगा। सी का हिस्सा कितना है 7, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 2,000, तो 7 बराबर बुढ़ा हो जाएगा। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा ही होगा कि यदि एक की वैल्यू, मान लो दो पेन आपने खरीदा 10 रुपए में, एक पेन कितने का हो गया 5 रुपए में, ये आपने यूनिटरी ले आया। अब एक का जैसे आपको पता चला, आप चाहे जितने का निकालना चाहिए, जितने का आप निकालेंगे उससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मान लो आपका 7 का निकालना है, तो आप क्या करोगे 5 में 7 से गुणा कर दोगे, तो 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा। तो सेम यही चीज जब यहाँ 1 बराबर 2,000 के, तो 7 बराबर किसके हो गया 14,000 के, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 14,000 रुपए हो गया, ओके। सेम क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग 15 पे पहुंच गए हैं। 5,500 रुपए को, प्रश्न आप ध्यान से सुनिए, 5,500 रुपए को राम श्याम और मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम तथा मुकेश की 5,500 रुपए, टोटल कितना है 5,500 रुपए को, ठीक। तो श्याम और मुकेश की आय का अंतर बताना है, तो आप बताओ इस अनुपात में हो तो कितना हो गया टोटल 5, 4, 9, 2, 11, लेकिन यहाँ है कितना 5,500 रुपए, तो 11 बराबर है 5,500 के, 1 बराबर हो जाएगा 500 के, ठीक है। तो ये राम श्याम और मुकेश में कितने का अंतर आ रहा है, देखिए रकम में एक का, एक यूनिट का अंतर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एक यूनिट का मान ऑलरेडी 500 है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 500, तो श्याम और मुकेश की जो आय का अंतर वो कितना हो गया 500 रुपए हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। किसी धन को एबीसी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है, यदि सी को ए से 500 रुपए अधिक मिला, ए से मिला है, मतलब ए से कितना मिला है 500 अधिक मिला है, जाहिर सी बात है किसी को अधिक या कम मिलने का मतलब हुआ उनके बीच का डिफरेंस। यदि हमारे पास 10 रुपए अधिक है, इसका मतलब हुआ कि हमारे और आपके बीच का डिफरेंस कितना 10 रुपए का है, तो हम ये ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिख देना सी को अधिक मिला है ना, सी को अधिक मिला, तो सी जिसको अधिक उससे सी माइनस ए कितना हो गया 500 रुपए हो गया, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो सी कितना है 6, ए कितना है 4 है, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, सी और ए में 2 का डिफरेंस 2, लेकिन यहाँ वहां से कितना बोल रहे हैं 500 का डिफरेंस है, 2 बराबर 500 के, 1 बराबर आपका हो गया 250 के, ठीक है, 1 बराबर 250, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 है, तो 3 बराबर कितना हो गया, मैंने क्या बताया जब एक का मान निकल जाता है तो जितने का भी निकालेंगे उससे गुणा कर देंगे, 250 का 300 से 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,500 रुपए। अच्छा गुणा करना यदि आपको दिक्कत हो रही है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो इसको, क्या करोगे आप, ये क्या है 2 है, इसको आप क्या मानोगे 2, और इकाई 250 सैकड़े, ये तो आप समझ ही रहे हो सैकड़ा है, तो आप वहां सैकड़ा अंडरस्टूड कर लोगे, ठीक है, धीरे धीरे ये आप प्रैक्टिस में करो तभी आप
और जो नए नए ट्रिक सीखते हैं कि इसको ऐसे क्यूब करना है, उसको ऐसे क्यूब, याद नहीं रहता है एग्जाम में, एक प्रेशर होता है। कम टाइम में विद इन टाइम विद एक्यूरेसी आपको बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए कंपटीशन करना होता है, तो आप वो प्रैक्टिस किए रहोगे कि गुणा करके इस तरीके से गुणा करेंगे तो वहाँ गलती होने के चांसेज है। आप अपने माइंड को इस तरीके से तैयार करो कि आपको माइंड खुद ही कैलकुलेशन करना सीख जाए, वो आपको अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज़ को लाना होगा। जैसे ये 250 मतलब 200, 200 का 3 से गुणा करोगे 600 हो जाएगा, ये 50 है 50 का 3 से गुणा करोगे 150 हो जाएगा, 600 150 कितना हो गया 600 700 750। आप इस तरीके से गुणा करोगे, बड़े से बड़े गुणा आप जो है आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा और बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, यदि किसी धन को ए बी सी में 2:5:5:7 के अनुपात में बांटा गया, किसमें, ए बी सी में 2:5:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, यदि ए तथा सी के रकम का योग, ए और सी के रकम का योग बी के रकम से 800 रुपये अधिक है, बी के रकम से, ये इनका जो योग है बी के रकम से 800 रुपये अधिक, मैंने अधिक और कम का बताया आपको कि अंतर ही होता है, अधिक या कम मतलब अंतर 800 है, तो ए की रकम बताना है आपको। ठीक है, ए की रकम आपको बताना है, तो ए और सी का रकम कितना हो गया है 7, 2, 9, और बी का रकम कितना है 5, 9 में से 5 गया, दोनों का अंतर कितना आ गया 9, और ये 5 का अंतर आ गया 4, लेकिन ये वहां से बोले 4 का अंतर नहीं है बल्कि 800 का अंतर है, तो 4 बराबर आपका हो गया 800, 1 बराबर हो गया 200, तो ए की रकम कितनी है 2 है, 1 बराबर 200 के, तो 2 बराबर किसके हो गया 400 के, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 6 पे, ये मैराथन क्लास है, पूरा चैप्टर फिनिश होगा, पूरा चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे। टाइप 6 में 407 रुपए को, कितने को 407 रुपए को ए बी तथा सी में, किसमें, ए बी तथा सी में 1:4:1:5:5:1:6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। मैंने क्या बताया, जब इस प्रकार के भिन्न में अनुपात हो तो क्या करना, नीचे वाले का लासा लेते हैं, 4, 5, 6 का लासा कितना आ जाएगा 60, 4, 5, 6 का लासा 60। लासा जब बताएंगे थोड़ा बहुत आप सीखो, और जब बताएंगे तो लासा आपको सिखाएंगे कैसे करना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो कि जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या उसका गुणा करते जाओ आप, और ऐसे गुणा करो कि ये दोनों से भी वो कट जाए, ये 6 का 12 करे तो नहीं कटेगा, ऐसे करते जाओ। जब आप 6, 5, 30 भी करोगे तो ये कट जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा 30, लेकिन जब 6, 2, 60 करोगे तो देखो 5 से भी कट जा रहा, 12, 5, 15, 4, 60, इसलिए लासा इसका कितना आ गया 60, तो 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, 4, 60, 5 है तो कितना 12, 5, 60, और 6 है इसका मतलब 10, तो अनुपात कितना आ गया ए बी सी का अनुपात 15:12:10। ठीक, देखा आपने, जो टाइप 4 आपने पढ़ा था उसका यूज यहाँ पे आया, ऐसे ही आप बार बार वो जब आप कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जाने रहोगे तभी आप इसको लगा पाओगे। ठीक है, अब देखो 15, 12 और 10 तीनों का योग कितना आ गया 37, हमारे अकॉर्डिंग 37 रुपए आए, लेकिन ये कह रहा 407 रुपए को बांटना है, उसके अकॉर्डिंग है 407 रुपए। अब आपको समझ में कि इसको कैसे काटे, देखो 37 + 37 हासिल आया 3, फिर 37 हो गया, इसका मतलब ये किसके बार, एक बराबर किसके हो गया 11 के। अब आपको ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा कितना है 15 के, तो 1 = 11 तो 15 = गुणा हो जाता है। ठीक, 15 = 15 × 11, 15 दहम, देखो यहाँ इकाई दहाई है ना, 15 दहम 110 और 15 = 15, 15 दहम 150, सॉरी 15 दहम 150 और 15 = 15, 150 और 15 कितना हो गया 165, यही एक का हिस्सा कितना हो गया 165 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। टाइप 7 देखते हैं,
ए तथा बी की रकम का अनुपात 4:5 है, ठीक है। ये प्रश्न मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बी और सी की रकम का योग 2:3 है। यदि ए की रकम 800 रुपये है तो सी की रकम बताना है, ठीक। ए की रकम 800 रुपये तो सी की रकम कितनी होगी? आपको मैंने बताया ए अनुपात है बी अनुपात है सी, तो तीनों का अनुपात निकालना तो आपको आता ही है। इसका इधर गुणा करो ना, 8 हो गया, इसका फिर इससे 10 हो गया और फिर लास्ट से 15 हो गया, ये अनुपात आ गया। अब कह रहा है यदि ए की रकम 800, यहाँ ए की रकम 8 है लेकिन ये बोल रहे हैं वहाँ से 800 है, तो 8 बराबर 800 के 1 बराबर हो गया आपका 100। तो सी की रकम देखो कितनी है, 15 है, तो 15 बराबर 1500 के ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 10 है। औसत क्या होता है? यदि किसी भी चीज को बराबर बराबर बांट दिया जाए वही उसका औसत है। मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 का औसत 10, इसका मतलब 10 इसको भी मिला, 10 इसको भी मिला, 10 इसको भी मिला। टोटल कितना होना चाहिए? 10 10 औसत में बांटने के लिए 30 होना चाहिए, ठीक। तो जब हम किसी भी चीज को बराबर बराबर बांटते हैं वही उसका औसत होता है, ठीक है। तो ये 3 का औसत 10 है, इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 3 लोगों को 10 10 मिल रहा है तो 10 10 10 30 हुआ। 4 का औसत 10 है, इसका मतलब 4 लोगों को 10 10 मिल रहा है, 40 हुआ। तो ये 3 का औसत 10 है तो टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना, दूसरी संख्या बी जो है तीसरी संख्या का तिगुना, तो इनमें बड़ी संख्या बताना, सिंपल सा है। अब क्या करोगे आप? अभी आपको मैंने पहला या दूसरा टाइप जो बताया था कि जब इस तरीके से हो तो जब ए अनुपात बी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, सेम वही रहता है, या जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, 2:1 हो गया। ये बी बराबर 3c है तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? 3:1। अब आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना जानते हो, क्या हो जाएगा? 3 का गुणा इसमें 6, इसमें 1 3 और फिर लास्ट से गुणा 1, ये आ गया आपका, ठीक। अब तीनों का योग 6 3 9 1 10 10 आ रहा है, लेकिन वहां पे तीनों का कितना आया था? औसत 10 था, तो मतलब लेकिन टोटल कितना था? 30 था। 1 बराबर 3 के हो गया, तो सबसे बड़ा कौन है? ए ही तो है, तो ए 6 बराबर किसके हो गया? 18 के। ये आपका क्या हो गया? 18 आपका आंसर हो गया। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए सब यूज होगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो सी की आय 500 रुपये हो तो ए की आय आपको निकालना है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% क्या हो? कम हो। बी की आय सी की आय से 10% कम हो, सिंपल सा। अब देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला 20% कम है, 20% को पहले आप लिखो, 20% क्या बोलते हैं? 1/5 कम है, इसका मतलब देखो 5 है, ये मूल चीज होता है, नीचे मूल चीज आता है, यहां कम है 1/5 में से कितना आ गया? 4/5, ये क्या हो गया? 4/5 बी की आय से, ना बी की आय से कम है, इसका मतलब ये नीचे बी है, जिससे कहा जाएगा जो बेस होगा वो आपका नीचे हमेशा रहेगा। बी कितना हो गया? 5 और ए कितना हो गया? 4 कम। बी की सी की आय से मतलब अब यहाँ पे 10% कम, 10% को 1/10 बोलते हो, कम है, इसका मतलब 9/10। सी की आय से मतलब सी हो गया 10 और बी कितना हो गया? 9, ठीक। अब ये हमें जानना है, अभी आगे भी इसका यूज हम इसीलिए अभी बता दे रहे हैं क्योंकि इसका भी आगे यूज होगा। अब क्या करेंगे? बटे का मतलब मैंने आपको बताया था, ये ए अनुपाते बी कितना आ गया? 4:5 और बी अनुपाते सी आ गया 9:10, ठीक। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपको मैंने बताया था, गुणा कर दो, 9 चौक 36,
नौ पचे 45 और लास्ट में 50, ये आ गया। ये क्या हो गया आपका? अनुपात हो गया। ये बोल रहे हैं कि सी की आय 500 हो, सी की यहाँ 50 है और ये वहां से बोल रहे हैं 500, तो सी बराबर 500, 50 बराबर 500, तो एक बराबर हो जाएगा 10 के, तो ए की आय कितनी है? ए की आय आप देखो 36 है, तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? 360 के। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे होगे इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा? नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब इतना बड़ा एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे बी की आय 20% कम, 20% कम, तुरंत आप समझ जाओगे 20% का मतलब 1/5 कम है, मतलब 4/5, और बी की आय का मतलब 5 हो गया बी और 4 हो गया ए। यहाँ सी की आय का मतलब नीचे जो आएगा वो सी रहेगा, 10% कम, 10 मतलब 1/10 उसका कम है, 9/10 9 हो गया बी, ये हो गया 10। तुरंत आप 9 का गुणा कर दोगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 10 पचे 50, तुरंत आपके यहाँ 50 बराबर 500, 1 बराबर 10 के 36 आ गया। आप ऐसे कैलकुलेट माइंड में आपका चलता रहेगा, जब इस तरीके की आपकी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस आप करोगे तो आप कर ले जाओगे, ये सब लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट अभी जब परसेंटेज ये सब पढ़ाएंगे तो वहां भी यूज होगा, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। टाइप आठ में किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। उनका कुल मान, मतलब कुल टोटल रुपया जो है, कुल रुपया कितना है? 48 रुपये है। तो 20 पैसे के सिक्कों का की संख्या बताना है, 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं इसकी संख्या बताना है, ठीक है। किसी थैले में या किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 में है, ये टोटल रुपए कितने हैं? 48 रुपए हैं। तो 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं ये पूछेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है? रुपया दिया है। क्या दिया हुआ है? रुपया दिया है। 20 पैसे हैं, 20 पैसे, 1 रुपए में कितने पैसे, कितने सिक्के होंगे? 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे और 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। तो हम जो ये सिक्के हैं इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में? इसको हम पैसे में, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो आपका सिक्का है 2, 4 और 5, ये 50 पैसे के कितने सिक्के हुए? ये 50 पैसे के 2 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं। तो टोटल कुल कितना रुपया हो गया? यहाँ 100 पैसा, यहाँ भी 100 पैसा और यहाँ भी 100 पैसा। टोटल कितना पैसा हो गया? 100, 100, 100। ये टोटल रुपया क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल रुपया दिया है, इसलिए हमने इस जो सिक्कों की संख्या थी उसको हमने 20 पैसे के 5 सिक्के, तो कुल कितना रुपया हो गया? 100 पैसा हो गया। टोटल पैसा कितना हो गया? 300 पैसा हो गया। और यहाँ कितना? 48 रुपये, मतलब 4800 पैसे, 300 बराबर 4800, तो एक बराबर किसके हो गया? 16 के। किसके हो गया? 16 के। अब यहाँ से आप निकाल लो 20 पैसे कितने हैं? 5, 16 पंचे कितना हो गया आपका? 1 बराबर 16 के, तो ये 5 है ना सिक्के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 80 के। तो कितना हो गया आपका? 80 सिक्के। 20 पैसे के कितने हैं? टोटल 80 सिक्के हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, ये जो प्रश्न था इसमें पैसा दिया हुआ था, टोटल रुपया दिया हुआ था, ठीक है। अब टाइप 9 पे बात करते हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने हैं? टोटल सिक्का दिया हुआ, यहाँ सिक्का दिया, वहां टोटल रुपया दिया था 48 रुपया, यहाँ टोटल सिक्का दिया रहेगा। यदि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात
13:11:7 है, कितना है 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहां सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक। 50 पैसे के सिक्कों, ये देखो मूल्यों का अनुपात का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया कितना है, इस अनुपात के हिसाब से देखें तो 13 रुपए हैं। 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 11 रुपए हैं, और 25 पैसे कितने हैं, 7 रुपए हैं, ये मूल्य है इसके। यदि 25 पैसे के 7 रुपए हैं, 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे, तो 7 रुपए में कितने होंगे, 7 चौक 28। ऐसे 11 रुपए में 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते, तो 11 रुपए में 11 होता 22। 13 रुपए हैं 1 रुपए के सिक्के, तो एक ही होता है, तो आप टोटल सिक्के कितने हो गए, 13 × 1, और यहाँ कितना 11, 50 पैसे के मतलब 11 × 2 = 22, और यहाँ 7 है। 25 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 4 सिक्का होता है 25 पैसे के, तो 7 रुपए में 28 हो गया, ठीक है। टोटल कितना सिक्का हो गया, 13 कम, इसको हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं 13, टोटल कितना हो गया 20 20 40 10 50 और 10 60 3 63, टोटल कितना सिक्का हो गया, 63 सिक्का हो गया हमारे हिसाब से। लेकिन ये कितना बोला, 378 सिक्का है, तो 63 बराबर कितना हो जाएगा, 378 के आप इसको काटेंगे 963, 9 चौक 36, 9 दूना 18, ये कट गया 6, मतलब 1 बराबर आ गया किसके, 6 के। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के, ये टोटल सिक्का है, ये तो रुपया है, टोटल सिक्का 22 है, तो 1 बराबर ये 6 के, तो 22 बराबर किसके हो जाएगा, 6 से आप गुणा कर दोगे। अभी आपको यूनिटरी मेथड बताया था कि एक का मान कुछ भी आएगा, उसके बाद जिसका भी मान निकालेंगे डायरेक्ट उससे गुणा कर देंगे, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 22 का 6 से गुणा कर देंगे, 20 छक्का 120 और 2 छक 12 132, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हो गए, 132, ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी में। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। 1 रुपया का है सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का, टोटल 340 सिक्के हैं, ये सिक्का दिया है, यहाँ क्या दिया, सिक्का दिया है। इन सिक्कों का मूल्य, मूल्य क्या दिया हुआ, इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बताना 25 पैसे के, ये मूल्य मतलब ये रुपया, 1 रुपये का 5 रुपये का के हिसाब से कितना सिक्का आएगा, 5, और 4 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, भाई 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होंगे, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 8, 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, 4, टोटल कितना सिक्का होगा, 8 × 5 = 13 = 4 = 17, टोटल सिक्का हो गया 17। लेकिन ये कह रहा है टोटल सिक्का 340 है, 17 बराबर 340 के 1 बराबर हो जाएगा 20 के। अब बताओ 25 पैसे के कुल कितने सिक्के, ये है सिक्के, ये तो मूल्य था, ये रुपया है 1 रुपया, लेकिन यहाँ देखो ये सिक्का कितना है, 4, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, 4 है, तो 1 = 20 के, तो 4 बराबर किसके हो गए, 80, तो 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 80, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब ये टाइप हो गया 9, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 10 पे, टाइप 10, और ये हमारा अनुपात समानुपात का ये लास्ट टाइप है, ठीक। इसके बाद हम दो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम एवरेज औसत शुरू करेंगे, ठीक है। सीता और गीता की आमदनी का अनुपात, सीता और गीता की आमदनी, आमदनी का अनुपात है 8:11, ठीक। खर्च का अनुपात, खर्च, खर्च का अनुपात कितना हो गया, 7:10। यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं, यदि दोनों कितना, बचत कितनी की है, दोनों बचाते हैं 1000 रुपये, तो सीता की आमदनी बतानी है, सीता पहले है गीता बाद में, सीता की आमदनी यही 8, ये तो है, यही 8 का मान हमें निकालना है। अब देखिए सिंपल सा है, जो खर्चा, जो आय होती है उसको दो भागों में हम करते हैं, एक तो खर्चा कर देते हैं, खर्चा करने के बाद जो बचता है वो हमारा बचत होता है, ठीक है।
इस प्रकार यही जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आप उम्र वाले जो उम्र संबंधी प्रश्न थे वो वाला जो चैप्टर है सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएं करेंगे क्या। यदि आपका ये बचत सेम है, हो कितना जाता, देखो खर्चा करने के बाद बचत इतना हो जाता है, ये डिपेंड करता है एक दूसरे पे। आप जितना अधिक खर्चा करोगे उतना ही कम बचत होगा, अधिक खर्चा कम बचत अधिक खर्चा, या खर्चा कम करोगे बचत अधिक होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप त्रिक गुणा करेंगे, यहाँ 11 सते 77 और 10 अठे 80, 77 और 80 अंतर कितना आ गया, दोनों का अंतर 3, और जो हो जा रहा है खर्चा, क्या हो जा रहा है खर्चा, ये हो जा रहा है 7 अनुपाते 10, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इस 3 का ये जो रुपया है उसे गुणा कर दीजिए आप, 3000 हो गया, 3 बराबर 3000 के, तो 1 बराबर किसके हो गया, 1000 के। अब बताओ सीता की आमदनी कितनी, 8, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा, 8000 के, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए कैसे और भी प्रश्न पे। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात, वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक का बचत, जो बचत है वो सेम है 1000 रुपये है, तब ए की वार्षिक आय बतानी है, मतलब ये आपको तीन, यही तो आया है, ए की वार्षिक आय बतानी है। अब मैंने आपको बताया था कि इन इन ये जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब इस प्रकार की घटना होती है कि जब खर्चा बढ़ेगा बचत घटती, इस प्रकार का जब कहीं इंसिडेंट होता है, और यही कॉन्सेप्ट आप जब उम्र संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो यही लगाएंगे, तब इसमें आपको क्या करना, तिर्यक गुणा करना आय और खर्च का, या मान लो बचत दिया है बाद में लास्ट में खर्च दे रखा है कि इतना इतना, सेम खर्चा करते हैं सेम वही चीज लगाएंगे, 5 दुना 10 3 3 का 9, अंतर कितने का आ गया, 1 का आ गया। ये जो लास्ट में होता है आय में से बचत को हटा देंगे तो क्या बचेगा, खर्चा ही बचेगा, कितने 5 और 3 2 आया, और ये इसका गुणा कर देंगे, 2001 बराबर किसके हो गया, 2000 के हो गया, तो एक की आय कितनी है 3, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 6000, तो एक की वार्षिक आय कितनी हो गई 6000। तो ये हमारा अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर फिनिश होता है। रेलवे इसी टाइप के प्रश्न पूछता है, रेलवे बहुत ज़्यादा डीप या टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप एग्जाम देखिए, आपको नॉलेज लेना एक अलग बात है और एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन लेना वो एक अलग बात होती है। आप हो सकता है किसी चीज़ में मास्टर बन जाओ, एक मास्टरी हासिल कर लो, लेकिन सिलेक्शन अलग चीज़ मांगती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको जानना होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, हमें उस पर समय व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है, तो आज ज़रूरी है इस बेरोजगारी में सिलेक्शन लेना, पढ़ाई तो हम फिर करते रहेंगे और महारत हासिल करते रहेंगे, उसके लिए तो पूरी उम्र बची हुई है। ठीक है, तो हमें सिलेक्शन के लिए तैयारी करना है। अब कुछ प्रश्न पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस पहला, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है आय का, वह खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चों का ये आय हो गया, ये खर्चा हो गया, ऐसे छोटा छोटा ही लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे आय वहां एग्जामिनेशन हॉल में। और 200 रुपये प्रतिमास बचाते हैं, तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, मासिक आय बताना है। ठीक है,
क्या करते हैं, 7 चौक 28, 3 गुणा कर लेते, 9 3 27, अंतर 28 27 का 1 आया, 4 और 1, 4 और 3 में अंतर 1 का आया, 1 और बचत कितनी है 200 रुपये, 1 बराबर किसके हो गया 200 के। तो आपका अधिक आय कौन सा है, 9 का, तो 9 बराबर किसके हो गया 1800। ये देखो यहाँ पे आय का अनुपात दिया है 9:7 और खर्चा दिया 4:3 और प्रति मास ये 200 रुपये बचाता है, तो अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पे इसने क्लियर नहीं किया था कि ये वार्षिक आय ही क्या, मासिक की बात कर रहा है, ठीक है, अनुपात में हमेशा ये सेम रहता है। तो आपका क्या हो गया 1800 रुपये मासिक, सेम वही अभी जो आपने टाइप 10 देखा था। ये प्रश्न आया था 2004 में RRB अजमेर में। एक प्रश्न और देख लेते हैं, ए एवं बी की रुपयों का अनुपात 4:5 है, ए और बी के 4:5 है, बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है, ए के पास 800 रुपये हो तो सी के पास कितना होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल क्या करते हैं, तीनों का अनुपात हमें निकालना होता है, गुणा करते हैं पहले वाले का दोनों से, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर लास्ट का लास्ट से कर देते हैं 15, ये ए बी सी का अनुपात आ गया 8:10:15। यदि ए 800 है, यहाँ ए 8 है, यहाँ 800 दे रहा, तो 8 बराबर 800 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 100 के। आपसे प्रश्न है सी का, तो सी कितना है 15, तो 15 बराबर किसके हो जाएगा 1500 के, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आया हुआ है प्रश्न 2001 में। एक प्रश्न और है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के 3:4:10 के अनुपात में हैं। ये सिक्कों का अनुपात बता रहा है, सिक्के हैं ये, कुल मूल्य, टोटल कुल मूल्य जो है 102 रुपये हो, कितना हो 102 रुपये, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, सिक्कों की संख्या बतानी है। मैंने क्या बताया कि जब आपका रुपए में हो तो सभी को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 3, 4 और 10, 1 रुपए के कितने पैसे होते हैं 100, 50 पैसे के कितने होते हैं यहाँ 50 और 10 पैसे के यहाँ 10, 300 हो गया, यहाँ 5 चौक 20 मतलब 200, यहाँ 100, टोटल कितना हो गया 300 200 100, टोटल हो गया 600 पैसा, और 102 रुपये है, इसको भी कन्वर्ट कर लो, 102 100 लगा दो, ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कट गया 6 बराबर 102, तो 1 बराबर 17 के, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं देखो, 10 सिक्के हैं, 1 बराबर 17 के, 10 बराबर 170, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 170 सिक्के हो गए। तो इस प्रकार के ये प्रश्न आते हैं, ठीक है, यदि हमें कन्वर्ट कर देना, बस जो सिक्कों की संख्या है 10, 1 रुपये है तो 100 पैसा, 50 पैसे की जगह पे 50 कर देंगे, 10 पैसे का सिक्का है तो 10 कर देंगे, 25 का है तो 25 कर देंगे, वो सिक्कों का मूल्य वहां पे रख देंगे, ठीक है। एक और प्रश्न करते हैं, 3 संख्याओं का योग 98 है, 3 संख्याओं का योग जो है 98 है, पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:5, मतलब पहले से दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी बी का तीसरी से 5:8 है, तो दूसरी संख्या मतलब बी का अनुपात निकालना है। सिंपल ABC निकालना, तो आप तो जान ही गए होगे, अब तो 15 यहाँ पे 10, 15 और 8 3 लास्ट में 24, ये अनुपात आ गया। तीनों का योग कितना है देखो आप, 20 10 30 10 40 और ये 49, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि तीनों का योग 98 है, हमारे अकॉर्डिंग 49 आ रहा, 49 बराबर 98, 1 बराबर किसके हो गया 2 के। तो कह रहा है दूसरी संख्या बी कितनी है 15, 1 बराबर 2 के, तो 15 बराबर किसका हो गया 30 के, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब बताया था आपको कि जो बी और सी है दोनों सेम रहता है, तो 0.02 बटे बी बराबर बी बटे 0.32। ठीक, ये आपका बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.02 इंटू 0.32। 32 दूना, आप अंकों का केवल गुणा करेंगे, ये दशमलव का गुणा है, 32 दूना 64। 64 का आप जानते हो कितना होता है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बराबर 64। जब बी निकालोगे आप तो 8 आएगा, ये तो आप जान रहे हो। लेकिन जब दशमलव का गुणा होता है तो जितने अंक पे दशमलव रहते हैं सब जुड़ जाते हैं, जैसे 1, 2 अंक पे, 3 अंक पे और 4 अंक पे। 4 अंक पे दशमलव, और जब 4 अंक के दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2 बचेगा, तो 2 अंक पे हम दशमलव लगाएंगे 1 अंक, और अब नहीं है तो इसको 1 0 बढ़ा देंगे, 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगा दिए, और उससे पहले 1 0 लगा देते हैं कि समझ में आए कि दशमलव लगाए हैं। तो आपका बी बराबर क्या हो गया, 0.08, ये आपका मध्यानुपाती हो गया। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं अनुपात समानुपात पे। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, ये सेम चीज घटा रहे, देखो 9 घटाया जाए तो 12:13 के अनुपात में हो जाती है। किस अनुपात में हो जाती है, प्रत्येक में से 9 घटाया जाए इन दोनों में से तो 12:23 हो जाती है। तब पहली संख्या मतलब ये 3, इसको बताना है तो पहली संख्या क्या है, आपको बताया था त्रिक गुणा कर लेंगे, 23 3 69 और 12 5 60। 69 और 60 में कितने का अंतर आ गया, 9 का। यहाँ देखिए 12 और 23 कितने का डिफरेंस है, 11 का। जो डिफरेंस आया उसको इससे जो सेम चीज घटा रहे हैं 9। अब यहाँ से देखिए ये 9 9 कट गया, 1 बराबर किसके आ गया, 11 के आ गया, तो ये 3 बराबर किसके हो जाएगा, 33 के। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। एक प्रश्न और कर लेते हैं, जो हम जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे वहां भी इस चीज को देखेंगे, और यहां भी एक देख लेते हैं एक प्रश्न। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में अनुपात 2:1 है, पूंजी में अनुपात, ठीक है, जबकि ए तथा बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। ये ए और सी का है और ये ए और बी का है। यदि उनको ₹157,300 का लाभ होता है तो बी को कितना लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि तीनों को एसी है, इनका अनुपात 2:1 है, ए बी है 3:2, ये टोटल लाभ इतना है तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो सिंपल सा क्या करते हैं, ए और सी है, यहां ए और बी है, यहां तो बनेगा नहीं, यहां पहला और इसका देखिए, इसका आखिरी और इसका पहला सेम होना चाहिए ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो ए अनुपात सी है इसको हम, जैसे इसका ए पहला है तो इसका हम दूसरा बना लें, मतलब सी अनुपात ए कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका लास्ट ए और इसका ये पहला, अब बन जाएगा, लेकिन अनुपात क्या बनेगा, सी अनुपात ए अनुपात बी इसका बनेगा। गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 का 2 से 6 और फिर इस 2 का लास्ट से 4, ये आपका सी अनुपात अनुपात भी आ गया, 3 6 और 4। तीनों का योग कितना है, 6 4 10 3 13, ये 13 आया, लेकिन ये कितना वहां से बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं 157,300। 13 से आप इसको काट दीजिए, 13 एकम 13 2 हुआ 27 13 दूना 26, 1 गया 13 एकम 13 कितना आ गया, 12,100। 1 बराबर हो गया 12,100 के। तो बी का हिस्सा कितना, बी देखो ये है लास्ट में 4, तो 4 बराबर कितना होगा, 12 चौक 48,000 और 100 चौक के 400, 48,400 रुपये, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो पार्टनरशिप का भी इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो अनुपात
समानुपात का वहां हम यूज करेंगे, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अनुपात समानुपात का कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन फंसेगा एक जब पूरा मैं कंप्लीट करवा ले जाऊंगा, तो ओवरऑल सारे जो टफ क्वेश्चन हैं और जो ओवरऑल मतलब सारे अर्थमैटिक का जितना भी पोर्शन है एक साथ फिर उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला चैप्टर हम एवरेज से औसत से करेंगे, वो भी एक यूनिक मेथड से और अच्छे वे में समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये प्रयास है, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, कि आप मैक्सिमम चीज़ें गेन करो कम समय में। ठीक है, कि हमारे पास जब और समय रहेगा तो हम और भी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। इन 10 प्रकार के जो ये टाइप आपको बताएं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। यही रेलवे का लेवल है, इस लेवल पे आप तैयारी करो, फोकस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।